हेलो एंड वेलकम यूए टेक बफ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप बहुत सारी फोटोज को जोड़ करके एक फोटो बनाना चाहते हैं या फिर एक फोटो में बहुत सारी फोटोज जोड़ना चाहते हैं तो इसी का तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है इसको करने के लिए हमें एक ऐप यूज करनी है ये जो ऐप है बहुत ही पॉपुलर और यूजफुल ऐप है ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी तो मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने सर्च करना है पिक्स आर्ट तो जैसे ही आप पिक्स आर्ट यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरीके से ये वाली ऐप यहाँ पे आ जाएगी तो ये मैंने अपने फ़ोन में पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाती है ऐप उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो इस तरीके का एक पेज आएगा तो आपने ऊपर जो स्किप का बटन दिखाई दे रहा है इस पर टैप कर देंगे उसके बाद इसका होम पेज इस तरीके से खुल जाएगा तो आपने क्या करना है आपको सेंटर में एक प्लस का बटन दिखाई देगा आप इस पर टैप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं जैसे कि एडिटिव फ़ोटो एडिटिव वीडियो और उसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं तो हमने जो फोटोज़ अलग अलग जोड़नी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेक अ कॉलेज वाला जो ऑप्शन है उस पर टैप कर देंगे उसके बाद ये आपसे एक परमिशन मांगेगा तो आप इसको अलाउ कर देंगे तो जैसे आप ये करेंगे इस तरीके से आपके फ़ोन की गैलरी खुलेगी तो ये जो रिसेंट्स वाला फोल्डर है ये खुल गया है तो आप ऊपर देख सकते हैं ये जो रिसेंट के साइड में एरो है इस पे टैप कर देंगे जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स जो भी होंगे आपके फ़ोन के अंदर वो वहाँ पे दिखाई देंगे तो आप नीचे स्क्रोल करके उस फोल्डर में चले जाएंगे जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह पड़ी हैं मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाता हूँ इसमें मैंने अलग अलग फोटो रखी हुई हैं तो आपने नीचे आ जाना है यहाँ पे तो जो भी फ़ोटोज़ को आप जोड़ना चाहते हैं उसको एक एक करके सेलेक्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे टैप करके सेलेक्ट करता हूँ फोटोज़ को एक एक करके तो आप देख सकते हैं ऊपर जो है हमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से ये जुड़ के दिखाई देंगी तो मैं नीचे से और फोटो सेलेक्ट करता हूँ कोई तो जैसे ही मैंने फोटो सेलेक्ट की है तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा कोलाज बन के तैयार होगा तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं आपको जो भी इनमें से अच्छा लगता है ज़्यादा आपने उस वाले को यहाँ से सेलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं इस वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद ऊपर जो एरो का बटन दिखाई दे रहा है उस पर टैप कर देंगे उसके बाद इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा तो यहाँ पे और भी अलग अलग ऑप्शन आपको नीचे मिल जाती है तो आप अपने हिसाब से इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, तो मैं फिलहाल नहीं करना चाहता इसको तो हम क्या करेंगे ऊपर जो एरो का बटन दिखाई दे रहा है उस पर टैप कर देंगे फिर इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा यहाँ पर आपको और भी नीचे ऑप्शन दी गई हैं तो अगर आप इसमें और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं मैं इसमें कोई अभी मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहता तो अब जो इस फोटो को जोड़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं इसको अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं तो उसके लिए ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है इस पे टैप करके आप इसको गैलरी में सेव कर सकते हैं या फिर आप ऊपर वाली जो एरो दी गई है इस पे भी टैप कर सकते हैं उसके बाद और अलग ऑप्शन आएंगे तो जैसे आप उस पे एरो पे टैप करेंगे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे तो यहाँ पर ये जो आपने फोटो बनाई है कोलाज बनाया है इसको आप इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं या फिर गैलरी में भी सेव कर सकते हैं तो यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन दिया गया है मैं इस पर टैप कर देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया है सेव टू गैलरी यानी कि हमारा जो कोलाज है यानी कि जो हमने फोटो जोड़ी हैं वो अब जो है हमारी गैलरी में सेव हो गई है तो मैं गैलरी खोल के आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो फोटो है यहाँ पे आ गई है तो अब आपने सीख लिया है अलग अलग फोटोज़ को जोड़कर एक फोटो हम कैसे बना सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और अगर आपने युवा टक बफ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उसके साइड में जो घंटी का आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मैं मिलूंगा आपको अपने किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर